अब मैं आता हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह के पास। शिवेंद्र जी, आपको आज जो इसको कह ले जो पहली सुनवाई में होता है, नोटिसेस जारी होते हैं, सब माना जाता है, लेकिन जो वकील थे आपके रवि पांडे की तरफ से जो हुए थे, उन्होंने ये डबल आरक्षण वाली बात कही है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डबल आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता है। धन्यवाद सर इस चैनल के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के लिए। और सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, वकील साहब ने जो ये बात बोली है वो, चूंकि बहस शुरुआत ही इसी बात से होगी कि डबल बेंच ने आदेश दिया है कि एमआरसी कैंडिडेट्स को माइग्रेट करके यूआर की सीट पर भेजा जाए, तो बहस की शुरुआत जब डबल बेंच का आदेश चैलेंज किया गया तो इसी बात से शुरुआत होगी ही होगी। और सीजीआई सर ने सिर्फ ये क्वेश्चन किया था कि कोई भी अभ्यर्थी जो 97 से कम अंक अर्जित किया है वो किस आधार पर माइग्रेट कर सकता है। क्योंकि बहस आगे चलेगी तब ये बात साबित होगी, विजय भाई की तरफ से या मेरी तरफ से वकील ये पक्ष रखेंगे कि कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो बहस का विषय है। तो एक लौता विषय तो ये हो गया। दूसरा विषय ये है कि इस जो सुनवाई हुई इससे जो चयनित वर्ग है उनको क्या लाभ है। सर चयनित वर्ग को ये लाभ है कि हमने शुरुआत से सड़क से लेकर के मंत्री विधायक सबसे मिलकर के यही मांग की थी कि शासन कार्यरत शिक्षकों के संबंध में योजना स्पष्ट कर दे कि किस प्रकार से चयनित शिक्षकों का हित सुरक्षित होगा या कार्यरत शिक्षक किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। अभी भी अगली सुनवाई से पहले वक्त है, शासन जो अगर हुई है विसंगति वो स्वीकार करते हैं तो वो ये वैकल्पिक मार्ग सुझाएं कि किस प्रकार से जिनके साथ हुई है उनको न्याय मिलेगा और किस प्रकार से वो कार्यरत शिक्षकों को सुरक्षित करेंगे। इसकी ये तो बात हो गई सर 23 की सुनवाई तक की। इसके बाद बात आती है धर्मेंद्र भाई की और जयनेन्द्र भैया की। इन दोनों लोगों ने लगातार से, जयनेन्द्र भाई तो तब भी थोड़ा सा संतुलित बोलते नजर आए, धर्मेंद्र भाई एक पक्ष की बात तो कर रहे हैं, दूसरे पक्ष आपका वोटर नहीं है, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को अनारक्षित वर्ग का वोट नहीं चाहिए, अनुप्रिया पटेल जी ने एक लाइन लिख दी। सर हम लोग भी वोटर हैं, हमने भी वोट दिया है, अगर बात रखी जाए TV9 चैनल पर सबसे अमिताभ सर ने, आपने हमेशा ये बात कही है कि सूची बनाने में शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, ना उनका हाथ है। नहीं, इस वजह से मैं एक बात आपको बोल दूं, जब मैंने सबसे पहले जो एक्सपोस्ट सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये सरकार की गलती या अधिकारियों की गलती का भुगतान, चाहे वो चयनित हो या आरक्षित हो, ये लोग क्यों भुगते। और सही बात है सर, मैं भी सहमत हूं, लेकिन मैं अखिलेश यादव जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से खुलकर एक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बोल रहे हैं उसी तरीके से खुलकर अनारक्षित वर्ग के लिए भी बोले। यदि अधिकारी या सरकार को दोषी ठहरा रहे तो हमारे दोष का भी उनके ऊपर लगाए और उनसे आग्रह करें कि अनारक्षित वर्ग के साथ भी न्याय हो और अनारक्षित वर्ग के साथ भी उनको उनके नौकरी पर बाहर रखा जाए। और जो भी शासन में बैठे हुए हैं या विपक्ष में है उनसे मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि वो संतुलित बात करें, एक पक्ष का बात करते समय दूसरे पक्ष की। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, आप शिवेंद्र जी का कोई जवाब देना चाहते हैं कि एक पक्ष ही ना बोले, जबकि मैंने रखा कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो मैंने बताया उनको। पुष्कर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस बात को क्लियरली मेंशन कर दिया है इसीलिए मैंने बोला अपने वक्तव्य में, शायद उन्होंने ध्यान से सुना या नहीं सुना, मैंने कहा था कि सरकार के पास जो न्याय के अलावा वैकल्पिक जो इनके पास व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए मैंने बोला कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके आधार पर वो कोई ना कोई निर्णय ले ले कि जो 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 चयनित हो चुके हैं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनका भी समायोजन ये सरकार के पास है, सरकार के पास इनके पास विकल्प बचा हुआ है, सरकार दोनों पक्षों को देख करके उसको करे, इसलिए मैंने इस बात को कहा था। और मानी जी ने तो खुद भी कहा है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं दोनों को ठगने काम कर रही है, तो दोनों के साथ क्यों ना न्याय करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको दोनों के साथ न्याय करना चाहिए, मैं आपके चैनल पर इस बात को बोल रहा हूँ। शिवेंद्र जी, क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर, बस विजय जी इसमें जोड़ना चाहूंगा, धर्मेंद्र सर ने समायोजन की बात कही है, समायोजन करके समायोजन का हश्र हम सबने जो है देखा है सर्वोच्च न्यायालय में, इस वजह से हम ये चाहते हैं सरकार अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करे या सुप्रीम कोर्ट को ये योजना स्पष्ट। तो ये धर्मेंद्र यादव से नहीं होगा ना, धर्मेंद्र यादव अगर कभी आएंगे तब आप इनसे मांग कर सकते हैं, अभी ये मांग आपको नहीं मांग कर रहे हैं हम सर, हम ये कह रहे हैं कि ये जैसे अखिलेश यादव जी आरक्षित वर्ग के संबंध में कह रहे हैं उसी प्रकार से अनारक्षित वर्ग के संबंध में भी स्पष्ट आग्रह सरकार से करें या सरकार के खिलाफ जो है लिख करके ये बात कहे कि अनारक्षित वर्ग के साथ भी न्याय हो। सर बाकी विजय यादव जी, एक और संघर्ष अगर आपकी भाषा में कहें, क्योंकि शिवेंद्र जी अमिताभ सर के शो में जुड़े, मेरे शो में नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपसे आप इसको संघर्ष बताते रहे भाई, संघर्ष तो ये लोग भी कर रहे हैं ना, इनके अभी तो धक धक चल ही रहा है ना कि कल को, अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही
कि भाई ये समायोजन मत कीजिए, नहीं तो समायोजन किए गए थे 1,37,500 शिक्षक, उनका क्या हाल हुआ जाके? वो भी धरने बैठे थे 5 तारीख को, अभी भी वो बेचारे वेतनमान बढ़ाने के लिए हर चीज के लिए भटक रहे हैं। तो आपको आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उससे आपको क्या लग रहा है कि अभी आपका संघर्ष और आगे जाएगा, या सरकार से आपका क्या मांग है और उनके रवैये से क्या लग रहा है? शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल करने के लिए। हालांकि पूरा दिन हम लोगों का भाग दौड़ भरा, मैं इसमें दिल्ली में हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में मैं इन पर्सन वहाँ पे मौजूद रहा, और जो भी सुनवाई हुई मीडिया में कुछ और चल रहा है, मैं देख रहा हूँ हमारे दूसरे पक्ष के लोग कुछ और करें, हमारे साथ के लोग कुछ और करें, जो वहाँ पे वास्तव में घटित हुआ मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। डबल आरक्षण पे जरूर बताइएगा अगर ये बात, जैसे ही ये मामला टेकअप हुआ, जी जैसे ही मामला टेकअप हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को कहा कि मैंने हाईकोर्ट का जजमेंट देखा है, इसमें जो चीजें अनसुनी रह गई हो आपको लगता हो आप उसे रिटेन में 2 पेज का दे दीजिए, हम इतने लोगों को कैसे सुनेंगे। यानी उनकी क्लियर थॉट है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस जजमेंट में जो उनको भी लगती है कि सही है। वहां पे बात ये निकल के आई जो हमारे दूसरे पक्ष के वकील थे शिवेन भाई की तरफ से, उन्होंने कहा कि सर ये दोहरा आरक्षण की बात, जो बात ये नई बातें नहीं कही गई, यही बातें हाईकोर्ट में कही गई, वो बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई, और जो एक बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप आरक्षण का लाभ दोबारा नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं था सर, ये एक नैरेटिव फेक नैरेटिव है। जो भी जो प्रेयर होती है जब जजेस के सामने आती है तो जो क्वेरी उनकी होती है वो पूछते हैं कि भाई आपका ये कहने का मतलब है कि अगर किसी ने 5% की छूट ली है तो उसका माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, तो जो संबंधित पक्ष होता है कहता है यस लॉर्ड सिर्फ हम यही चाहते हैं, हम यही कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब उसका ये ग्राउंड है, तो सीजीआई की एक क्वेरी थी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर माननीय न्यायालय को हाईकोर्ट के फैसले में बहुत कमी दिखती तो उस पर अस्थायी रोक नहीं लगती, तत्काल प्रभाव से स्टे होता और जजमेंट में भी लिख क्या था भाई आप केस का, मैं शिवेन भाई से कहूंगा नहीं, निलंबन तो कर दिया ना, जो डबल बेंच का फैसला है। शिवेन जी आप बताइएगा अगर आपको लगता है कि विजय जी कुछ और, मुझे लगता है निलंबित कर दिया है ना उसको, निलंबित लिखा है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 23 तारीख तक के लिए उन्होंने ये कहा है कि सरकार प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी, और सरकार तो वैसे भी मैं बताऊं वही कह रहा हूं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। अभी देखिए हमारे जनेंद्र सिंह अरकोसी भाई कह रहे थे, प्रवक्ता है सुहासपा के, कि सरकार उनके साथ खड़ी है, मैं कई चैनलों पे इस बात को बोल चुका सर, आपके साथ भी बोला हूँ, भैया ऐसी सरकार को कहते थक गई होगी खड़े खड़े, बैठ जाएं कुछ दिन के लिए, टेबल पे बैठें, वार्ता करें। आज जहां भी हम और शिवेंद्र भाई खड़े हैं ना उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, ये सत्ता में बैठे लोग सियासत कर रहे लोग हैं। अनुप्रिया पटेल आज करें हम आपके साथ खड़े हैं, भाई इसके पहले भी तो आप साथ खड़ी थी, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया 25 दिन हो गया, एक हमारे त्वरित न्याय वाले डिप्टी सीएम साहब थे, उन्होंने कहा कि आज पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से मिला जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उनके न्याय के लिए त्वरित त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा, कौन सा त्वरित न्याय निकला भाई? अभी तो मान लीजिए, चलिए मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि फौरी तौर पर राहत मिली इन लोगों को, लेकिन 23 तारीख को अगर जब भी एक जजमेंट फाइनल होता है अगर शिवेन जैसे लोगों की नौकरी जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं क्यों जाएगी नौकरी अगर नहीं लगेगी? ये गलत है ना, इन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के नौकरी हासिल नहीं की, पहली बात। सर देखिए मैंने सब सबको मैंने बहुत शांति से सुना है और सबसे लास्ट में मुझे आपने अवसर दिया है, नहीं तो मुझे मेरी बात पूरी, आप पूरी बात करिए फिर मैं आपको काउंटर सवाल उसका जवाब दे दूंगा। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार कोई स्पष्ट प्रपोजल के साथ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आती, जैसा अभी शिवेन भाई कह रहे थे कि अगर एक ठोस नीति जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी जाएगी तो यह आज कड़वा सच है, या तो शिवेन जैसे लोगों की नौकरी रहेगी या हमारे जैसे लोगों की नौकरी लगेगी, दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। अगर किसी को यह भ्रम है, हमारे अरकुंवंशी भाई को अगर ये भ्रम है कि नहीं नहीं, देखिए अभी आपके चैनल पे देखिए मुझे एक बात और याद आ गई इनको देख के, एक प्रवक्ता बैठे थे आप याद करिए अभी परसों की तो बात है, उन्होंने कहा सोमवार का इंतजार कर लीजिए धमाका होगा, सच शायद यही धमाका है। जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहते थे, जो उनकी मंशा थी वो अपने मंशा में कामयाब हो गए, अस्थायी रोक लग गई, 23 तारीख को दोबारा हियरिंग होगी, सीजीआई साहब नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं, अगर उसके पहले उन्होंने मामले को सुनकर डिसाइड कर दिया, अगर सरकार कोई ठोस कार्यनीति के साथ योजना के साथ वहां पे नहीं गई तो एक पक्ष का तो नुकसान होना ही होना है, फिर ये सहानुभूति तो चलेगी नहीं कि नहीं भाई उनकी क्या गलती है या विजय यादव की क्या गलती, नहीं कोर्ट मर्सी पे नहीं जाएगा, कोर्ट मेरिट पे मुकदमा डिसाइड करेगा, जब तक सरकार कोई ठोस योजना नहीं देगी। मैं इस बात को आपके कैमरे पे कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप देख लीजिएगा मेरी बात को रिकॉर्ड करके रखिए, ये अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से स्टे हो जाए, उनको कुछ करना ना पड़े। आज मैं फिर एक कमिटमेंट आपसे कर रहा हूं कि आप देख लीजिएगा अगर सरकार कोई ठोस योजना लेकर वहां पे नहीं जाती है तो हम दोनों भाइयों में से किसी एक भाई की नौकरी जानी तय है, ये बात आज मुझे कोर्ट का रुख देखिए क्योंकि मेन पर्सन वहां पे मौजूद था, उनका रुख देख के सरकार ने भरोसा दिलाया है। जब 13 अगस्त को फैसला,
एक बात बताइए मुझे, एक बात मुझे बता दीजिए आप। नहीं सर, बस मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। जिस सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया यानी आवेदन से लेके आवेदनों के पत्र की छटनी से लेके काउंसलिंग करवाने से लेके नियुक्ति पत्र वितरित करने से लेके विद्यालय तक ज्वाइनिंग करवाने से लेके, शिवेंद्र भाई है मेरी बात पे सहमति जताएंगे, अभी आप उनसे पूछ लेना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात का काउंटर कर देंगे। जिस सरकार ने 22 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर डाली हो, उस सरकार के बेईमान अधिकारियों ने 1 महीने इंतजार किया सिर्फ 20 दिन के लिए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे जाके दम तोड़ दे और हमको कुछ करना ना पड़े, और उनका क्या जाएगा? कल को शिवेंद्र की नौकरी चली जाए, विजय की नौकरी जाएगी, किसी अधिकारी को क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो तब भी मजे से वेतन लेंगे, तब भी सरकारी दफ्तरों में बैठ के एंजॉय करेंगे, तब भी जो है एसी के कमरों में बैठ के अपनी नौकरी करेंगे, मारे जाएंगे हमारे जैसे आम नागरिक, आम बेरोजगार और सियासत करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अरकुंवंशी साहब हो चाहे धर्मेंद्र जी हो, दोनों साहब हमारे जितने बैठे हैं, इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? मारे तो हमारे जैसे लोग जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं अरकुंवंशी जी, अगर सरकार में आपकी सुनी जाती हो तो सरकार के जिनको कहना सरकार साथ खड़ी, उनसे कह दीजिए भैया बहुत दिन से खड़े हो, पैर दर्द कर रहे होंगे, बैठ जाओ, वार्ता कर लो, अपने अधिकारियों को कोई ठोस निर्देश जारी करो कि 23 तारीख को डेट लगी, 23 तारीख को जो सरकार की तरफ से अपीयर हो ऐसी योजना के साथ जाए, उसमें शिवेंद्र की भी नौकरी हो और विजय यादव की भी नौकरी लगे। ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये बंद कर दीजिए ढोंग करना कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपके साथ उठक बैठक कर रही है, भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए। अरे एक मिनट विजय जी ये मत कहिए आप, ठीक है, हम हर अगर शिवेंद्र जी के साथ सारी संवेदनाएं हैं तो आपके साथ भी हैं। आप कोई संवेदना नहीं है सर, किसी की संवेदना नहीं, अगर हमारे साथ संवेदना होती तो 4 साल हम सड़कों पे धूल खा रहे हैं, ये सत्ता में बैठे लोग कैसे, मैं इकलौता इस चैनल पे नहीं बोलते हैं विजय जी, टीवी चैनल पे बैठ के बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े, क्यों साथ खड़े भाई आप, किस काम के लिए साथ खड़े? आपने हमारी आंखें छीन ली, हमारा सम्मान छीन लिया और आप जैनेन्द्र जी, ठीक है मैं पूछता हूं, साथ खड़े हैं आप।